आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कमलनाथ कैबिनेट की तस्वीर आज साफ हो गई। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ मंत्रिमंडल के 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कमलनाथ की कैबिनेट में जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय सियासत, क्षत्रपों को संतुष्ट करने पर खासा ध्यान दिया गया। कैबिनेट में दो महिलाएं और एक अल्पसंख्यक नेता को जगह दी गई। कमलनाथ कैबिनेट में मुख्यमंत्री के 10 करीबियों को जगह मिली है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खेमे के भी 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं ग्वालियर चंबल रीजन में पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से मात्र 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट के नाम प्रमुख हैं। कमलनाथ की कैबिनेट में सबसे बड़ा महिला चेहरा डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु का है। वो 5 बार की विधायक हैं। इस बार भी उन्होंने महेश्वर सीट से जीत दर्ज की। साधु के अलावा सज्जन सिंह वर्मा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। इस बार वो सोनकच्छ सीट से चुनाव जीते हैं और अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ का करीबी माना जाता है। वो दिग्विजय सिंह की सरकार में भी नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं। आज ये नए मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इसलिए इसको चुनौती मान रहा हूं कि शिवराज चौहान साहब ने 1,80,000 करोड़ के कर्जे में इस मध्य प्रदेश को झोंक दिया है। हमने तो 21,000 करोड़ के कर्जे में छोड़ा था, उसे बढ़ा के 1,80,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया मध्य प्रदेश में और पूरा खजाना इस समय खाली है। लेकिन भाषण में शिवराज बोल रहे हैं कि भैया हमने भरा खजाना छोड़ा है। तो चुनौतियां आर्थिक रूप से बड़ी हैं, क्योंकि हमने किसानों को कर्ज माफी की बात की है, हमने नौजवानों को स्टाइप फंड देने की बात की है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में डेवलप हो उसकी बात की है। लेकिन मुझे मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी पे विश्वास है, जो इस भारत में मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो अर्थशास्त्र का एक एक शब्द, एक एक परिभाषा को जानते हैं। तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 घंटे में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी कर दी। इसके अलावा हुकुम सिंह कराड़ा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। वो शाहजहांपुर से विधायक हैं। इनके अलावा ग्वालियर चंबल रीजन से डॉक्टर गोविंद सिंह, जो 7 बार के विधायक हैं, उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस विधायक इमरती देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये सिंधिया गुट की हैं। भोपाल उत्तर के विधायक आरिफ अकील ने मंत्री पद की शपथ ली। अकील दिग्विजय सिंह के करीबी हैं और उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। गनवानी से 3री बार चुनाव जीते उमंग सिंगार ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। उमंग पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी के भतीजे हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। मंत्री बने हर्ष यादव देवरी से 2री बार विधायक चुने गए, ये भी दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी मंत्री बने, वे 2री बार रागौर से विधायक चुने गए, ये कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और प्रदेश में युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान बन रही है। मालवा निमाड़ में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे जीतू पटवारी 2री बार राहुल से विधायक चुने गए। राहुल गांधी की युवा टीम के ये सदस्य हैं और पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कमलेश्वर सिंहवाल से 2री बार विधायक चुने गए, ये भी दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। मंत्री बने लखन घनघोरिया, अनुसूचित जाति से प्रतिनिधित्व करते हैं और कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और जबलपुर पूर्व से 2री बार विधायक बने हैं। मंत्री बने महेंद्र सिंह सिसोदिया, बमोरी से 2री बार विधायक चुने गए हैं और सिंधिया के करीबी हैं। भोपाल के पीसी शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शर्मा कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है, इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। शर्मा ने भाजपा के दिग्गज नेता उमाशंकर गुप्ता को हराया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीसी शर्मा जी, हम बात करते हैं मंत्री पद की शपथ लेकर अभी भी निकले हुए हैं। सर बताएं कैसा लग रहा है, क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि कमलनाथ जी ने मंत्री बना दिया है, जो जिम्मेदारी देंगे उसको पूरा करेंगे। आपने कैबिनेट मंत्री में कौन सा पद, अभी कौन सा आपको पद मिलने जा रहा है जो ये है? तो इसमें तो ये होता है कि ये जुरिडिक्शन उनका रहता है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे वो करेंगे और जो उनका वचन पत्र है ये चुनाव से पहले उन्होंने तैयार किया था उस पर काम करेंगे, जिसको कि उन्होंने 1 घंटे में वो लेने के बाद शपथ लेने के बाद उस पर काम शुरू कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो कर दिया 1 घंटे में। उनने कहा था कि बच्चों को 51,000 देंगे शादी में, वो सैंक्शन कर दिया। स्टाइपेंड देंगे युवाओं को, वो कर दिया।
यहाँ 300 रुपये से 1000 रुपये पेंशन का वो ऑर्डर कर दिया, तो एक एक करके सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये यही है वचन पत्र जिस पर काम करेंगे। इनके बाद भी अभी बहुत सारे काम है, रोजगार की व्यवस्था करना है, युवा जो हर साल बेरोजगार होते हैं। निश्चित तौर पर कॉरपोरेट व्यक्तित्व हैं और ये इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये इंटरनेशनल व्यक्तित्व हैं कमलनाथ जी, जो वर्ल्ड बैंक से यहाँ और मोदी सरकार से भी पैसा खींच के लाएंगे और यहाँ पैसे की कमी नहीं हो, ये कोई कर सकता है तो कमलनाथ जी करेंगे। कमलनाथ जी को विकास पुरुष माना गया है, तो विकास छिंदवाड़ा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। छिंदवाड़ा का जिस तरह से हमने विकास किया है मध्य प्रदेश का, और छिंदवाड़ा में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है, उसी नीति पे यहाँ चला जाएगा। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पीसी शर्मा, जो कि अभी शपथ लेकर निकले हुए कांग्रेस की 15 साल बाद सरकार बनी है, उसके बाद पीसी शर्मा को मंत्री पद का दर्जा मिला है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। ज्योतिर सिंधिया गुट के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया को हरा कर वे विधायक बने हैं। मंत्री बने साफ सुथरी छवि के सचिन यादव दिवंगत नेता सुभाष यादव के बेटे हैं और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के भाई हैं। वो कसरावस से विधायक चुने गए हैं। उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए अरुण यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी। कुक्षी सीट से दूसरी बार विधायक बने सुरेंद्र सिंह बघेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व मंत्री प्रताप बघेल के पुत्र हैं। कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरा और कमलनाथ के करीबी तरुण भनोट ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हम मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। रात दिन एक करके हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए रात दिन एक मेहनत करेंगे। इनके अलावा ब्रजेंद्र सिंह राठौर, प्रदीप जायसवाल, बाला बच्चन, लखन सिंह यादव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ओमकार सिंह मरकाम, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रियवत सिंह, सुखदेव पांसे, सुरेंद्र सिंह बघेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।